हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कोमल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और महाराज जी ने लगाया नहीं टीका, तो कैसा लग रहा है जल्दी जल्दी बताओ। Moments later. जी जा चुके हैं और अब दरबार की हो रही है सफाई। और ये मेरे हो रहा है, जो मेरे लग रहा है सेम Amazing. मतलब पहले मम्मी के लगा था, मम्मी देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से लग रहा है। ऊपर माता जी ताली बजाते हुए, जो कि अभी तक बजी नहीं है। तो ये रही मम्मी। और पीला लगाना मम्मी के ऊपर, तो पीला शूट भी कर रहा है, मतलब चेहरे पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो महाराज जी जा चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं मंदिर से, और अभी सफाइयां चल रही हैं, उनके साथ ही सफाइयां चल रही हैं, क्योंकि दरबार की तैयारी हो रही है। शनिवार को भी दरबार, उसके बाद तो दरबार जो है ही है कंटिन्यू। थोड़ी देर झाड़ू दीदी मार रहे हैं। संगीता की भैया परसों से दीदी, हाँ संगीता दीदी परसों से रुकी हुई है, वो महाराज जी की सेवा में थी। हाँ वो रुक गए थे, तो ये रुक ही जाते हैं, इन्हें पता है कि भवन अपना है, सेवा अपनी है और संभालना भी हमें ही है, तो फिर वो रुक ही जाते हैं। इन्हें बोलने की छूट नहीं है किसी को भी। तो संगीता दीदी अभी रुकी हुई है, अभी मेरे ख्याल से है ना दीदी, संगीता दीदी वो आ रही है, ये आ रहा है हमारा क्या कहते हैं मम्मी, असली कार्यकर्ता नहीं, हमें जो पढ़ दिया है हम सबसे पहले मांग लेते हैं। सुमंदी दी, सुमंदी दी, जय माता दी। तो ये हमारे पहलवान साहब और यहाँ सफाई कर रहे हैं, चलो पनीर और ब्राउन के साथ। महाराज जी जा चुके हैं, साफ सफाई हो चुकी है, और मम्मी को देखियो कह रही वीडियो बना ले, मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग के लिए बना लेती हूँ। ये वीडियो महाराज जी जाने के बाद हम बैठे हुए हैं, ये दोनों बच्चे ये बैठे हुए हैं, संगीता कार्यकर्ता बड़ी माँ के साथ और सुमन हम बैठे हुए हैं। आप चाय पीएंगे थोड़ी देर में, मतलब बना तो कहने का बना के जाऊंगी। मतलब मैं दिल से क्या क्या मतलब बोला नहीं उन्होंने, वो दिल से कहना चाहती है, मैं सच बताऊँ ना, ये जब से आई मैं गुफ नहीं देती ना, तो मैं लगी रहती थी, तो उसका सम्मान करती है, तो इसलिए करती है। उसका मतलब हमारी माँ का दिखाओ, उनको दिखाओ भाई ब्लॉग में, ये देखो पहले ये है संगीता, संगीता जी जो बड़ी माँ के लिए चाय बनाने के लिए, लेकिन इसको कितना बोलूं, इसके घर में कितना काम हो गया, बोलते ना संगीता रुक जाएगी, माँ बता आपको रुक जाऊंगी, बच्चे ऐसे ही होने चाहिए नहीं मम्मी। और ये है हमारी सुमंदी दी, जो 24 घंटे हमारे मुंह पे रटा ही रहता है। सुमंदी दी, सुमंदी दी ऐसे बोलते ना, काम जाती है कोई बात, और जब कोई बात हो जाए सुमन दीदी काम कर दो, सुमन दीदी, तो हमारे जो सुमन दीदी हैं वो ये मम्मी यहाँ पर काम करवा रही है, कुछ सेट मतलब सेट करवा रही है, कुछ मुझे भी नहीं पता मैम क्या करवा रही हूँ आपकी, ये यहाँ कबूतर बढ़ जाते हैं तो उनको उनका गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये जो है निखिल है, ये दुकान वाला हमारा फर्स्ट दुकान, और ये राहुल है, ये सेट करने में लग रहे हैं, इन्हें बहुत देर से सेट नहीं हो रहा कुछ भी, देखो स्माइल दियो। तो ये कर रहे हैं सेट, जय माई की, जय माई की। और ये है हमारी रेखा जी, जय माई की, जय माता दी। शिवम जी पता रहे हैं, और शिवम जी तब पता रहे जब महाराज जी चले गए। और ये रही हमारी कालका मम्मी, और वहाँ सारे बच्चे लगे पड़े हैं काम पे, राहुल और निखिल, वो कितना मुस्कुरा रहा है, उसकी कुछ बर्दाश्त नहीं हो रही वो मुझे आते हैं। और ये निखिल जी ना कुछ नहीं कर रहे, बातों के मेहमान नहीं है, वो बात है इसको आप इसको काटिंग में ऊपर से कौन फंसा आप उठा ना आप उठा ना चार दीदी मम्मी कुछ बोलने आई है, चाकू लेके खड़ी है भाई, क्या बोल रहे हैं इसकी अद्दा बांधे यहाँ पे हवा चल रही है तेरी, उठ गए हो मम्मी को देखना, मम्मी सबसे सस्ते टाइम वहाँ पर मोर को देखो मोरनी, खतरों के खिलाड़ी कैसी लगी राहुल चल रहा है आगे स्वाद हमारे राहुल जी ज्यादा हो गए,
ये इन्हें देखो पैर उसमें लगा रहे हैं। चले चल बेकार का आदमी। तू क्यों ब्लॉक करा करना है? तो राहुल ऊपर चल रखा है काम के लिए, यहाँ काम चल रहा है मंदिर में। थोड़े चीजें जो है अभी सेट करनी पड़ेंगी, आपको पता है जैसे अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं सब करने को, तो अभी सेट हो रहा है। हाँ जी, कोई सी साइड से तो हम सब बाहर आ गए। इतनी धुंध थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो मम्मी कह रही सब आ जाओ राहुल मैं सब। तो सब बाहर आ गए, इतनी धुंध थी, हमसे ज्यादा धुंध थी, मतलब ठंड के मारे पागल हो रहे थे और खुशी इतने हो रहे थे जैसे शिमला हो रही हो। और मम्मी सबको बुला के ला रही थी, बाहर आ जाओ अमरजीत भाई सुमन दीदी। ठंड के मारे हम लोग बाहर निकल के आ गए कि शिमला जरा हम शिमला वो कर ले। इतना कोहरा तो देखो कुछ भी नहीं दिख रहा पीछे। राहुल मैं मम्मी सुमन दीदी सब बाहर आ गए कि चलो देखते हैं थोड़ा सा आगे चल के। राहुल भी साथ साथ चल रहा था। इतनी ठंड हो रही थी, मतलब हवा चल रही थी बिल्कुल शीतल हवा, ठंडी ठंडी।